पिछले 15 दिनों से छतरी योजना में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है और चोरों के इतने हौसले बुलंद है कि क्षेत्रवासियों के रहते हुए भी जो है चोरी की वारदातें हो रही है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा एक पत्र किशनगंज थाने को दिया गया है और एसपी साहब से मैं खुद पर्सनल मिल के आया हूँ और वहाँ उनको भी अवगत कराया है और एक ज्ञापन उनको भी दिया है। उसके बावजूद भी जो है चोरी की कोई कमी रोकथाम नहीं हो रही है और लगातार ये चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। कल 13 तारीख को 3, सवा 3 बजे के आसपास जैसा मेरे घर में सीसी कैमरा लगा हुआ है उससे फुटेज दिखती है, पर वो आदमी इतना शातिर है कि उसने कैमरे पे टॉर्च मारी है और फेस उसका बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है। पड़ोसी मेरे बिल्कुल एडजॉइनिंग जो मकान है लगभग उनके 1.5 लाख रुपए कैश गया और सोना गया। अंदाज 5 से 6 लाख रुपए की कम से कम चोरी है और ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रवासियों में पूरा भय व्याप्त है कि कब किसके घर वारदात हो जाए। सिक्योरिटी किसी तरह की नहीं है। कॉलोनी का चौकीदार पिछले 15 दिन से बीमार होने की वजह से उसने बोला था मुझे कि मैं ऑपरेशन करवाने जा रहा हूं साहब, और गत इसी 15 दिनों में जो है चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। जिनके घर कल चोरी हुई है, कल जिनके चोरी हुई मेरे पड़ोसी श्री राजेंद्र जी कासलीवाल हैं, इनके घर चोरी हुई है। और ये सभी लोग मतलब आप ये देखिए कि सभी लोग ये घर में मौजूद थे, उसके बावजूद उन चोरों का शातिराना अंदाज़ देखिए कि किस तरह उन्होंने जो है चोरी करी और कोई जाग नहीं हो पाई और कोई किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। और इनको खुद को भी जो है सुबह बहुत लेट मालूम पड़ा कि चोरी। हाँ, पुलिस में जो है मुकदमा दर्ज करा दिया। कल पुलिस भी काफ़ी सक्रिय रही है, फुटेज वगैरह खंगालने की कोशिश की है। पूरी कॉलोनी में कैमरे लगे हुए हैं, पर इत्तेफाक से 4 कैमरे चालू थे, बाकी कैमरे बंद हैं। उसको नहीं, ऐसा तो किसी पे शक नहीं किया जा सकता। शक की तो कोई गुंजाइश नहीं कि किस आधार पर शक किया जाए। ठीक है, आपका नाम बताएं। JK जैन में छतरी योजना विकास समिति अध्यक्ष। पूरा प्रयास है कि इस चोरी की वारदातों को रोका जाए। मैं भी पूरे क्षेत्रवासियों के साथ कोऑर्डिनेट करके मीटिंग का आयोजन करके और CI साहब वगैरह को बुलाना और